पास एक कमेंट आता है हर रोज, अकील कोशिश है कोई तो वे बड़े चिड़े चिड़े रहते हैं भाई, पता नहीं उनसे उन्हें क्या दुश्मनी है मेरे से, और बोलते हैं ये इतनी सीधी नहीं है तो सीधा। हाँ बेटा कौन मैं? अच्छा तो सीधा तो कोई नहीं है धरती पर, लेकिन ये पता नहीं कहाँ का नहीं है। मैं छोटों को बड़े ऊपर हाथ उठाने का, ये शायद इनके घर में भी होता होगा, जो अखिल कोचिक है ना, मतलब ये जो मतलब उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं अपने बड़ों के साथ में, तो हाथ उठाने की तो कोई बात नहीं होती, जुबान से भी तो लड़ाई हो सके, और ऐसा क्या हो ऐसा सुन लो, लेकिन हाथ उठाना कहाँ का नियम है। मुझे ये कमेंट करके और बता देना कि हाँ बड़ों का हक बनता है, बड़ों पर हाथ, छोटों का हक बनता है बड़ों पर हाथ उठाना, और वह कुछ भी कर सकते हैं, गाली गलौज तलक तो ठीक है कि छोटे कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठाना ये कहाँ का नियम है। हाँ बेटा आप उठा दो, वहाँ पर रख दो, वहाँ पर रख दो बेटा। और कहते हैं ये सब ड्रामा करती है, ये करती है वो करती है, तो ठीक है जो ड्रामा करती है, और जो कि जब तक आदमी दबता है ना तो ये सोचता है ये कमजोर है, ये इसीलिए दब रहा है, लेकिन हम मैं इसलिए दब दी थी आज तक सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए, अब लेकिन मुझे रिश्तों की कोई फिक्र नहीं है, जिसे जाना जाओ और जिसे रहना रहो मेरी जिंदगी में, मुझे अब जब किसी से कोई लोड नहीं है कि हाँ ये मेरी जिंदगी में रहेगा नहीं ये नहीं या नहीं, क्योंकि रिश्ते बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है जो मैं बता भी नहीं सकती, और जो मैंने भुगता है ना वो मुझे पता, आज जो है ना जो मेरी हालत हो रखी है ना ये सिर्फ मुझे पता कैसी मेरी हालत हो रही, और इतनी कमजोर कैसे हो गई कि मैं अब अपने बच्चों के लिए जो काम करना चाहती हूँ मैं तो वो भी नहीं कर पाती, और एक टाइम ऐसा था कि कभी पूरी फैमिली को। तो चलो जी खैर, कमेंट करने वालों को तो कमेंट करने होते ही है, लेकिन हाँ ये है कि ये अखिल कोशिक है जो ये ज्यादा बेचारे फैन है मेरे, और इन्हें मतलब बुराई पीटने में मेरी बहुत मजा आता है, तो धन्यवाद हो आप सबका, और खासतौर पर अखिल कोशिक तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे ज्ञान देते हो, और मुझे बदतमीज और मतलब बहुत उखड़ी हुई मानते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जानने के लिए, लेकिन अब ना मैंने रोना धोना बिल्कुल छोड़ दिया अपनी जिंदगी में, अब मैं जितनी भी जीऊंगी खुश जीऊंगी अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम काटना अब, और अपने बच्चों के लिए ही करना जो कुछ करना, अब तक तो जैसा कटी थी काट ली थी, जैसे चाहिए ऐसी कटी, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से काटूंगी अपनी जिंदगी बाकी भी, और अपने बच्चों की भी अपने हिसाब से ही जीवाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए जी शाम का समय हो गया है और मैं लग गई हूँ खाना बनाने में, इधर मैंने चूल्हे पे कुकर रख लिया है क्योंकि आज बनाने हैं मुझे आलू टमाटर, और यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए थे, और ये प्याज और टमाटर और हरी मिर्च, तो करते हैं अपनी छोकरे की तैयारी। तेल ज्यादा तो निकल गया, ये देखिए जी तेल मैंने डाल दिया है, और कुकर ना मैंने काफी देर से रख रखा गर्म हो रहा, देखो गिरा गिरते लग जाएगा पता, और आना गर्म, और डाल लूंगी मैं प्याज, और यहाँ पर टमाटर और प्याज डाल लूंगी हमने, हमें टाइम होगा आप लिखाओ तो नहीं तो या तो आप डाल लेगा पूरा होते रहे, और अब भी आलू कितना ही दिन होगी आलू खाओ
आज आलू टमाटर का मन कर रहा है, काफी टाइम हो गया ना। अभी तैयार नहीं होगा, अभी तो इसको ढक कर रखेंगे थोड़ी देर और हो जाओगा। चलो क्यों मुझे करके दिखाओ फिर, क्योंकि मसाला हमारा बनकर हो गया है रेडी एकदम, और अब बन में मार लू। वैसे मैंने आलू छीलने के बाद भी धोए थे और जब कट करके पानी में रख दिए थे, आलू लाए ज्यादा पानी नहीं लग रहा इसमें। नहीं सही है, इतना ही मतलब और नहीं डालने की अभी समय में पानी जब तक खुला कदम मुझे। देखिए जी मैंने चूल्हा लीप दिया है और अब, हाँ बेटा अब लगाऊंगी मैं पोछा। अरे फ्रेंड्स तो देखे जी हम काम खत्म कर कर आ गए थे अपने कमरे में और मैंने देखो लगदारी बन रही है। क्या बना रहा था आपने? महादेव इसने महादेव बना रखा अपने चेहरे पे, आदि ने बनाया है ना। महादेव महादेव है आपके। जय श्री राम जय श्री राम। और गर्मी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। आदि ने आदि में इसमें अच्छा इसमें बैठ के फिर आने में। हाँ। अच्छा जी ये बहुत चोट लगा है आपके। आदि ने कोई बात नहीं भैया से फोन कहते करो, भैया मेरा चोट ना मारा करो ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर देखो रविया के माथे पर लगी हुई है चोट, या ये लगी थी बहुत तेज, मतलब कि और भी निशान है, हल्का सा पड़ रहा है इधर तो, यहाँ तक है वरना क्योंकि यहाँ तक भी हो रहा। और रात तुमने अभिराज का लगा दी चोट है ना, अभिराज का बेचारा भी दिखाऊ? नहीं अब नहीं दिखाते, वो सो रहा है बस, तो जान दो से परेशान नहीं करते। अबे फोन आ गया है। फोन बोलो कैसे बोल लो आप?
आप कैसा बोल लो, ऐसे नहीं बोलते बेटा, गंदी बात है, अच्छी तरह बोल लग रहे। अच्छी तरह? हाँ जी हाँ जी।